You're from Kolkata and yeah. people there are like super foodie. I love fuchka. इसको पानी आ रहा है मुंह में यार. The dating apps in our hands or phone के left right से सब कुछ हो रहा है जिंदगी में. Dating app पे literally आपको कोई मिलेगा ऐसा? क्यों मेरी ex girlfriend की बड़ी बहन है. App का नाम क्या है? अरे यार. बार बार जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना तो डर लग रहा है. क्या है इसके अंदर? कुंडली है. You've been in a relationship? 4 years. You can't tell anyone कि I think I'm not sure. तो घर से भाग के तो नहीं आए ना? मैं भी कर सकती हूँ अगर मुझे ये चांस मिला. जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा. From sprinting to acting. Because जो heroine थी उसके पीछे मैं. Wow! मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एंकर अमन गांधी और आज हमारे साथ है अद्रिजा. आज हमारे साथ आ रही है चर्चा करने सेट पर. तो चलिए जानते हैं अद्रिजा की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है उनके एक्स बॉयफ्रेंड और कुछ गॉसिप्स इकट्ठी करते हैं और आपको एंजॉय करवाते हैं. वेलकम टू सेट पे चर्चा. हाउ इज इट गोइंग? कैसे चल रहा है कुंडली भाग्य एंड एवरीथिंग? हाउ इज लाइफ? बहुत अच्छा चल रहा है एंड भाग्य चेंज हो गया है ना. सो यू वेरी न्यू टू मुंबई? इट्स बीन 1 and 1/2 years. सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस्ड इन मुंबई / लव्ड इन मुंबई / डिडंट लाइक इन मुंबई? I miss my family, I miss my city and like everything is in Calcutta because it's been, I told you like it's been just 1 and 1/2 years. That I'm only for my work, I'm here, otherwise my family, my friends, everything. Yeah, I know. I feel in Calcutta, you, yeah. So of course for that I didn't like Mumbai. Yeah. And since I came, touch wood, like this is my third show and back to back shows. I'm here, so that's why I didn't get to explore karne ke liye zyada time to mila nahi. Yeah. So, but something you liked about Mumbai, be it rains or the food or whatever? I don't like Mumbai traffic. I just hate it. Yeah. So bus. Otherwise, I love everything in Mumbai. You are from Kolkata, yeah. And people there are like super foodie. Right? Super foodie. And tasty food because tasty food. I eat everything and I eat a lot. A lot. So Mumbai mein, do you miss food culture here? It's extremely course. Different. Like so many houses then. So she knows how to cook Bengali foods. Oh. Yeah. So my bua video call pe literally usse sikhati ki this is ऐसे करो. जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन तो बिरयानी, आई मीन कलकत्ता वाला वो दम बिरयानी आलू के साथ. यस. तो उसके अलावा बिरयानी मेरे लिए लाइक एंड पानी पूरी में आई लव फुचका. इसको पानी आ रहा है मुंह में यार. यू वर एन एथलीट. अच्छा. टू रन. या आई रिप्रेजेंटेड वेस्ट बंगाल इन 2024. सॉरी, मतलब करने वाले 2014. सॉरी, माय मिस. वन गोल्ड मेडल एंड वन ब्रोंज. It's like for third runner up, so for the long jump and for the run. So representing West Bengal. Yeah. Oh man, ये लड़की बहुत talented है. Very good, very impressive. Thank you. But how it turned out to be, you know, from sprinting to acting. Because interest तो था, I was interested, लेकिन sure नहीं थी मैं. क्योंकि सब कहते हैं कि this is like इस industry में काम करना is very insecure. पता नहीं है कि कल क्या होगा. See, if you're बिलोंग मतलब मेरे फैमिली के लिए ऐसा था. मेरी फैमिली इज लाइक क्यों करना है तुम्हें इस इंडस्ट्री में, क्यों जाना है, इतना इनसिक्योरिटी है वहाँ पे, पता नहीं कि कल काम होगा या नहीं होगा. तो यहाँ तक तो मैं तब सोचा भी नहीं था कि बॉम्बे तो लाइक नो इन टॉलीवुड लाइक कलकत्ता. सो आई वाज लाइक कि ठीक है एक बार ट्राई करके देख सकते. मम्मी को बहुत मम्मी प्लीज 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 प्लीज. तो मैंने कहा कि नो प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज प्रैक्टिस में हो तो तुम इसमें काम करो ये अच्छा होगा. होता ना कि हर एक फैमिली से गवर्नमेंट जॉब हो गया. तो कहीं ना कहीं मुझे वो था लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं आगे जाके लाइक फ्यूचर सेट हो जाएगा इसलिए मैं कभी नहीं करती थी. तो प्रैक्टिस से वापस आ रही थी, वहां पे कुछ फिल्म का शूट आई डोंट नो किसी का तो चल रहा था. सो मैं ऐसे देख रही थी कि कैसे क्या होता है एंड मुझे कहा गया था राजेश शर्मा तो ही वॉज शूटिंग हाँ दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक अच्छा ये होता है जानी थी ऐसे नहीं करते सब. सो आई वॉज लाइक ओके. तो फिर मुझे ऐसे जो डायरेक्टर थे उन्होंने पता नहीं मुझे ऐसे देखा तो फिर कहा कि ये एक्सपोज पर्सनैलिटी के ऊपर ये फिल्म बन रही है, क्या तुम यहाँ पे इस रेस में तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगी? मैंने कहा कि क्या करना है मुझे, सिर्फ दौड़ना है. कहा कि हाँ सिर्फ दौड़ना है. कि फाइन. तो वहाँ पे जो हीरोइन थी उसके पीछे मैं हूँ. एग्जैक्टली. वाओ. मम्मी को पता था और दादी को पता था और बाकी किसी को नहीं. सबको पता था कि स्कूल से मैं ट्यूशन करके फिर मैं घर वापस आऊंगी. सो नॉट एवरीबॉडी वाज ओके. और मैं शूट कर रही थी वहां पे एंड देन एक दिन संडे ऑफ था. सेकंड संडे वहां पे ऑफ होता है तो माय अंकल आए. सब एक साथ फैमिली लाइक लंच कर रहे थे. मेरा प्रोमो आ गया. ओह शिट. एंड माय अंकल वाज लाइक ये तो देखी देखी लग रही है. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. एंड फिर कहा कि कब से कर रही है तू? मैंने कहा कि 2 weeks.
फिर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या ले रही है? मुझे कि मुझे पता नहीं होता था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन उसके बाद से अंकल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे. और अब हाउ डू दे फील नाउ? हाँ अभी तो लाइक वहाँ पे एक शो वो था वेस्ट बंगाल के लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थेरेपी जो होता है ना, वो हुआ था. हाँ पोटुल कुमार गान वाला तो यहाँ पे हुआ था. उसका रिमेक हुआ था कुल्फी कुमार बाजे वाला. सो उसका बंगाली वर्जन आई वाज डूइंग दैट. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट शो इन हिंदी? दुर्गा और चारों. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम गोइंग ऑन द हिंदी? गुड गुड. आई वाज डूइंग विद रांची ओनली. ओ अच्छा, रांची. या रांची वाज प्लेइंग दुर्गा, आई वाज प्लेइंग चारू. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग. जस्ट प्रोडक्शन का शो वो था तो उनके बंगाली एक शो के लिए आई वाज लाइक planning to do that. तो वो करने वाली थी and then suddenly sir ने मुझे कहा कि so you can of course try. I told you. So मैंने कहा कि ठीक है try कर सकती हूँ. तो then I tried and then that's how I got it and that's how I got it. Do you have any role model in Indian TV as a whole? I like Nakul Mehta. बड़े अच्छे लगते हैं. या मुझे वो normally भी otherwise also not just acting bits whenever he is talking also. Exactly as a person वो एक होता है ना किसी की personality देख के आपको पता चल जाएगा कि how the person is. So मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. उनकी मतलब the way he talks is super decent and royal. Yeah, we're living with the culture where we have dating apps in our hands or phone के left right से सब कुछ हो रहा है जिंदगी में. How do you see this? Now, do you think like dating app pe literally aapko koi milega aisa? Do you think? I've seen people getting married through dating app, but yes, that would be like 2 in 100. Two in 100. Aap se shaadi mein naam batao mujhe. I can tell you, meri ex girlfriend ki badi behan hai. App ka naam kya hai? Arey yaar. So do you? Baar baar jo aise kar rahe na, to dar lag raha hai. Kya hai iske andar? Kundli hai. Okay. Ye wo cheeze hai jo hame bhulni nahi hai. Okay. So, do you like traveling a lot? Yeah, I love. Arey, very good. Kahan kahan? Best travel experience. So, best Dubai. इसीलिए क्योंकि स्काई राइजिंग आई लव एडवेंचरस स्पोर्ट्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसी कोई और चीज बाकी नहीं है एक्सेप्ट बंजी जंपिंग. वो मैं करना नहीं चाहती. दैट माइट आई लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो वो था कि मेरा प्लानिंग था कि 4 जुलाई इज माई बर्थडे. सो 3 जुलाई मैंने स्काई राइजिंग की थी क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर पहले 3 जुलाई जितने ज्यादा मैं उड़ जाएंगे ऐसे ऐसे नहीं छाप छोड़ के जाएंगे. हाउ आर यू एंजॉयिंग पल्की एज अ कैरेक्टर? आई एम जस्ट लविंग इट. दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी क्योंकि यू नो इट्स अ रिप्लेसमेंट लाइक It's a very big responsibility, challenge, whatever you say. Yeah. But मैं ऐसे कुछ नहीं देख रही हूँ. मेरा कहना है कि एक benchmark set हो चुका है तो मुझे उसके नीचे में नहीं आ पाऊंगी. Yeah, तो जो भी करना है at least match तो करना है उसको. Plus the legacy of Shraddha and Dheeraj and all those things. So I'm just trying my level best. I hope audience will. Like. I mean, of course they're liking it. अभी पारस ने भी ये बात बोली, बसीर ने भी ये बात बोली कि they're liking your chemistry with them and everything. So I think it's working good for you. And legacy Imli and legacy in Kundli, how do you deal with this? I think आप time दो, with time आप अपना काम करो. अगर आपने अच्छे से किया ना तो मुझे पता है कि they'll accept हो जाएगा. मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. जो मैंने मुझे जितना प्यार मिला था आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. तो बट मिला ना तो अब मैं भी ट्राई कर रही हूँ. मैं अपना काम से बस अपना. एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं नहीं पूछ पाया बट यू वांटेड पीपल टू नो अबाउट यू. क्या अदीजा रोती है कभी? हाँ बहुत. मेरे वॉइस से याद आया. आई एम वेरी इमोशनल तो मैं बहुत रोती हूँ. बहुत ही ज्यादा. कुछ भी हो रहा तो होता ही है मेरा. यहाँ कुंडली भाग्य में कभी अदीजा के साथ ऐसा कुछ? आज सुबह ही हुआ है. आई डोंट नो. कल रात को जल्दी पैकअप हो गया और मुझे ये लगा कि मैं क्या करूंगी. तो रोने लग गई यार. अभी 15 मिनट रो ही लेती हूं. नहीं मैं क्या करूं. अभी घर जाकर मैं क्या करूं. फिर जैसे मैं वहां से घर गई तो पता नहीं कुछ तो हो गया मुझे. एंड आई हैव अ पेट क्रंची. तो शी इज लाइक मतलब शी इज माय डॉटर. हां तो फिर मैं उसके साथ शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. मतलब जब मेरा मूड ऑफ होता है या मैं हैप्पी होती हूं. व्हाट ब्रीड? शिंतू. आ या सो तो फिर कल मैं उससे बात भी ज्यादा नहीं की. हाँ ठीक है तो उसे पता चल गया कुछ तो हुआ है. वो मेरी मूड के हिसाब से चलती है कि अच्छा अभी इसका मूड सही नहीं है तो आके चुपचाप सो जाएगी. अब मैं हैप्पी हूँ तो वो आ जाएगी. तो कल उसे फील हुआ कि कुछ तो हुआ है. तो ठीक है. यू आर सिंगल एंड रेडी टू बी मिंगल. बट इससे पहले तो यू बीन इन अ रिलेशनशिप. आई नो द गाय सो वी वोंट टेक द नेम. हमें सब पता है. हम भी तो तुम अगर ओपन बुक है तो हम भी तो रीडर है. आई वोंट लाई. वांट टू टॉक अबाउट हिम. हाउ ही इज योर एक्स नाउ. व्हाट मस्ट हैव वेंट रॉन्ग? ही इज
इंट्रोवर्ट पर्सन एंड मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द थिंग इज कि इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब नहीं होता है कि सारी चीजें अगर मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ तो सब कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए. प्लीज एक्सप्लेन दिस अ लिटिल. इट्स लाइक कि अगर आप किसी के साथ 3-4 साल से हो एंड यू कांट टेल एनीवन कि यू आर इन रिलेशनशिप. ओह सिंस योर रिलेशनशिप वाज अ सीक्रेट. And abhi actually I don't care right now because I matlab we broke up. Kitna time ho gaya breakup ko? 7 months. So I count it. Ye start kaise hua? यहाँ पे नहीं हुआ था. इट वॉज इन कैलकटा. ओके डजंट मैटर कि सिटी क्या था क्लाइमेट क्या था. हाँ तो कैलकटा से. हाँ इट स्टार्टेड एंड देन आफ्टर दैट लाइक हाँ वो थोड़ा बहुत था चल रहा था ब्रेकअप पैच. एक्टर राइट. So shooting together you you already you told me you know him. मैं पूछवाना चाहता मैं देखना था कितनी ओपन बुक है. नहीं नहीं वो मुझे कोई प्रॉब्लम. ओके सो गो ऑन टेल अस कि कैसे स्टार्ट हुआ था. He was the first I really loved him. Okay. Yeah, he is the only one. Okay. अभी तक till now. Okay. क्योंकि time ही नहीं हुआ है ब्रेकअप होके क्या हो गया. अरे यार मौका तो क्या हुआ. हाँ तो he was the one. So and उसके पहले यू नो बचपन में तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है हम सबके साथ हुआ है. या ऑफ कोर्स वो एक ही था एंड एक एक्ट फिल्म में मिले थे एंड उसी बात शुरू हुई थी एंड देन पता ही नहीं चला कि कब रिलेशनशिप में आ गए एंड देन ऐसे ही चल रहा था फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गई एंड देन सॉर्ट आउट करते रहे ये वो थोड़ा बहुत बच्चों की तरह ब्रेकअप पैचअप ये सब चल रहा था. बट द लास्ट ईयर मुझे लगा था कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा बिकॉज अभी लाइक आई वॉज 23 एंड 24 की हो गई थी. सो मुझे लगा था कि अब बचपना मैच्योरिटी गया अब भाई थोड़ा सा मैच्योरिटी डील करते हैं. तो मुझे लगा था कि शायद इस बार हो जाएगा बट मुझे नहीं पता था कि इस बार कोई रीजन भी नहीं था कि ब्रेकअप होने का मतलब ब्रेकअप करने का या कुछ लाइक ही वाज जस्ट नॉट हैप्पी. ही जस्ट सेड दैट जस्ट प्योरली दैट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सक्यूज. बाद में जाके कुछ चीजें सबको पता चला है जो इनफैक्ट आई नो कि ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है या किसी को आइडिया नहीं है जानते हैं बट मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ. क्लोज लोगों को तो पता ही होगा. हाँ सबको पता है. सो ऐसा नहीं कि फैंस को भी पता है. ऐसे नहीं है कि बात नहीं होती है. अभी बात नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती है. लेकिन आफ्टर ब्रेकअप 1-2 महीने बात हुई थी ऐसे नॉर्मल. या होता ही 4 साल. हाँ तो दैट वाज नॉट इजी फॉर मी. ही वाज द वन जिसके साथ मैं हमेशा बात करती थी शूट करती थी लंच ब्रेक में वीडियो कॉल में उसी के साथ बात करती थी एवरीथिंग. मतलब वो ही यू नो मतलब ही वॉज द वर्ल्ड टू मी. तो वहां से वर्ल्ड छीन लिया मुझसे कोई ऐसा लगा था मेरे लिए. तो या आई एम वेरी इमोशनल. मेरा एक ही कहना था उससे मैंने बोला भी था कि अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस शुरू से बता दो कि After like 4 years, you can't tell anyone कि I'm not sure. What is I think? ये problem था मुझे. मैं ऐसे हुई नहीं कि 4 साल रहने के बाद मैं सोच ही नहीं सकती कि इतने casual तो मैं हूँ नहीं. Must have been super difficult ना for you. Yeah, very difficult. Months. Very difficult. And like my production. So were you doing any show around that time? कौन मैं? Huh? Yeah, I was doing Imli that time. Imli के time पे ये सब कुछ हो रहा था. I'm in production. And you were speaking Bhojpuri? No, UP language. हाँ, kind of sort of Bhojpuri. Like हमरे खातिर वो बहुत ही. हमरे खातिर साला चला गया. बहुत प्रॉब्लम रही था बट माई लाइक माई डायरेक्टर सो द एंटायर प्रोडक्शन हाउस दे वर वेरी सपोर्टिव. सो ये था. लेकिन हाँ इसके बाद से मेरा था कि मैं कोई एक्टर को डेट नहीं करना चाहती हूँ इसके बाद. अब पता नहीं हमेशा मैं मतलब उसके बाद से यार ये मैं बहुत सुनता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. इट्स जस्ट कि मुझे अच्छा लगता है कि हर एक की अलग 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 दुनिया है. अब मैं आऊंगी तो मैं अलग से बात कर पाऊंगी तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हारे ये नहीं कि ये वो मुझे पर्सनल लाइफ में ये चीज दोबारा. Are you okay? Right? Moved on properly? Yeah, I moved on. लेकिन वो कहीं ना कहीं वो तो होता ही है. So many good things are happening to you. Legacy has been passed on to you. Such a brilliant legacy from Shraddha and Dheeraj and all those people. So you are at a very good place and keep doing well. I think ये छोटी मोटी बातें होती हैं. मुझे नहीं मैं आपने पूछा. That's why I'm. Yeah, yeah. मैं बोल रहा हूँ इसको इतना भाव दे रही हूँ बताओ. Open book तो इसीलिए आज that. Well done on that man. Well done. Please do subscribe Balaji Telefilms and please like. Don't forget to like, share, comments, whatever you like, just do it. And I hope you liked it. I really liked my interview. Sort of. Thank you. Good.